कुछ लोगों का स्वभाव होता है रोते रहना, न मेरा रोने में विश्वास है न रुलाने में विश्वास है। मुझे आगे चलाने में विश्वास है। और देश चल पड़ा है, हर कोई नए सपने लेकर के निकल पड़ा है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी, आपने काम तो बहुत किया, हर क्षेत्र में काम किया, लेकिन आपने लोगों में इतनी आशा जगा दी, इतनी अपेक्षाएं जगा दी कि उसको तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, किन निराशा के बजाय आशा पैदा होना अच्छा है कि बुरा है? नई आकांक्षाएं जगना अच्छा है कि बुरा है? मैंने कहा, हमें गर्व होना चाहिए कि देश में एक ऐसी सरकार बनी है जिसने 125 करोड़ देशवासियों के सपनों को जगा दिया है। देश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिस काम को देख करके उसको लगता है, अरे मोदी जी इतना कर सकते हैं तो ये भी कर देंगे। हमारा यही सबसे बड़ा योगदान है कि निराशा की गर्त में डूबे हुए हिंदुस्तान को आशा विश्वास अरमानों से हमने भर दिया है और वही देश को आगे ले जाएंगे। यही ताकत है जो देश को आगे ले जाएगी। कोई कल्पना कर सकता है, स्वच्छता जैसा विषय देशवासियों ने अपना बना लिया, वरना हमारे देश का हाल क्या था? दो शब्द हमारे जहन में घर कर गए थे, दो शब्द ऐसे हमारे सार्वजनिक जीवन का हिस्सा बन गए थे और उसी ने देश को पटरी से नीचे उतार दिया था। वो दो शब्द कौन से थे? कोई भी काम हो तो पहला सवाल आता था, मेरा क्या? था कि नहीं था? ऐसा था कि नहीं था? अच्छा मान लीजिए कोई कहेगा, भाई तेरा कुछ नहीं, भाई मैं तो उसमें तुझे कुछ दे नहीं सकता, तेरा कुछ हो नहीं सकता है, तो फिर दूसरा शब्द आता था, मुझे क्या? यानी कुछ आशा अपेक्षा से मेरा क्या, लेकिन अगर बात बने ही मुझे क्या, जाओ मरो। हमने इन दोनों शब्दों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है दोस्तों, और उसका परिणाम है सबका साथ सबका विकास, हर किसी का साथ।